Hello and welcome to the class of economics students once again. And this is our fifth lecture of economics of your this academic year. And hope you all are understanding and you are paying attention to the all lectures. And hope you all have got the respective email IDs of our all teachers. So whomsoever if asking about the homework, you please send your homework on that respective email IDs. ठीक है, जो जैसा आपको पूछा है, जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, आप उस ईमेल आईडी पे उस टीचर्स के लिए उनका होमवर्क भेजने का. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी, रेगुलर ड्यूटी. इफ यू आर गेटिंग योर होमवर्क रेगुलरली, प्लीज सेंड इट रेगुलरली. अंडरस्टैंड? नाउ कमिंग टू द टॉपिक, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने आपको पहले बताया था दैट इकोनॉमिक्स इज बीन इंट्रोड्यूस्ड, इकोनॉमिक्स इज इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सप्लेन्ड वेल इन मैनर बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. एंड आफ्टर दैट मार्शल हैज एक्सप्लेन्ड, इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट अप्लाइड बाय डॉक्टर मिस्टर रैग्नर फ्रिच, हु हैज यू नो डिस्क्राइब द टू डिफरेंट वेरियस मैथड्स टू अंडरस्टैंड the economics in college, on college level or school level. And when he elaborated my economics in two methods, their names are micro and macro. We have already started with the microeconomics. Micro mein humne shuru kiya hua hai, aur micro mein agar aapko yaad hoga to micro ka definition bhi humne discuss kiya hua hai, which is given by Professor Kenneth Balding, who defines microeconomics well in manner. और उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट शुरू किए थे स्टूडेंट्स, और वो कॉन्सेप्ट सबसे पहला था वांट का. वांट क्या होती है, व्हाट इज वांट, वांट काय असते. सो इथे आपण शुरू केलेलं, तुम्हाला आठवत असेल तर लुक एट दिस. वांट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स. कल के लेक्चर में हमने देखा था कि वांट, ऐसा कहा जाता है कि वांट को कुछ शब्दों में डिसाइड या डिफाइन नहीं कर सकते. कॉमन लैंग्वेज में वांट मतलब नीड होती है. आपल्या भाषेमध्ये जर आपण वांट बोलायला गेलो, व्हाट इज वांट, तर वांट इज नथिंग बट युअर नीड. तुमची गरजच तुमची वांट आहे. तुम्हाला जे गरज पडेल त्या वस्तूची तुम्हाला वांट असते. कळलं? आणि वांट तुमची वांट काय दाखवते, तुमची नीड काय दाखवते, की तुमच्याकडे कुठल्या गोष्टीची कमतरता आहे, ती कमतरताच काय दाखवते, डिससॅटिस्फॅक्शन. आणि जर तुमची ती कमतरता पूर्णपणे फुलफिल झाली तर त्याला सॅटिस्फॅक्शन म्हणतात. वॉन्ट आहे म्हणजे तुम्ही लॅक ऑफ सॅटिस्फॅक्शनमध्ये आहात. दिस इनेबल्स फिलिंग्स द इंडिव्हिज्युअल टू सॅटिस्फाय हिज वॉन्ट. ही जी फिलिंग असते आपल्या वॉन्ट सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे संतुष्टीची, ही जी फिलिंग असते ना, ही संतुष्टीवाली फिलिंगच माणसाला आपली स्वतःची वॉन्ट सॅटिस्फाय करायला हे करते, मोटिवेट करते, प्रोवोक करते की हम अपनी वॉन्ट को सॅटिस्फाय करना चाहिए. इफ यू फील थर्स्टी, गो अँड हॅव अ वॉटर. इफ यू फील हंग्री, गो अँड हॅव अ फूड. कळलं का? सो वॉन्ट काय तुमचं, वॉटर. वॉन्ट काय तुमचं, फूड. त्याने तुम्हाला काय भेटणार, सॅटिस्फॅक्शन. आता ते तुमच्याकडे नाही म्हणून तुम्हाला डिससॅटिस्फॅक्शन हा असा अनुभव येतोय. आणि एकदा ते खाल्लं किंवा एकदा ते पिलं, त्यानंतर व्हॉट यू विल एक्सपिरियन्स, यू विल एक्सपिरियन्स सॅटिस्फॅक्शन. अंडरस्टँड? सो वॉन्ट इज अ बेसिक ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. अल्टिमेटली हमें ये कहना है कि सॅटिस्फॅक्शन इज दिस, बट टू गेट द सॅटिस्फॅक्शन, आपको ये सॅटिस्फॅक्शन लेना है, देन यू हॅव टू गो टू द वॉन्ट. गो टू द फर्स्ट यू हॅव टू स्टार्ट विथ द वॉन्ट. वॉन्ट लो, फुलफिल करो, एंड देन यू गेट सेटिस्फाई. समझ में आ गया? सो बेसिक वॉन्ट्स, ह्यूमन वॉन्ट्स आर ग्रोन इन नंबर ऑफ टू बेसिक रीजन. ह्यूमन वॉन्ट्स जो होती है वो बेसिकली दो कारणों की वजह से आती है. सबसे पहला ये, आज के डेट में नए इन्वेंशन और जो इनोवेशन हो रहे हैं, हमें भी उसकी लालच होती है. आपल्याला ते आवडतं की आपल्या घरात पण पाहिजे, तर आपल्याला असं वाटतं की आपल्या घरात कमतरता आहे. दुसऱ्यांच्या घरात LED TV बघून आपल्याला पण वाटतं की आपला डब्बा एकदम बेकार आहे. आजपर्यंत गेल्या 10 वर्षापर्यंत तो तुम्हाला सॅटिस्फाय करत होता,
वर्ल्ड कपचे मॅची, टी ट्वेंटीचे मॅची, कबड्डीचे मॅची सगळे तिथे त्याच्यात दिसत होत्या. पण आता तुम्ही बोलता ना मला एल ई डी पाहिजे, ही टी व्ही आता नको मला. कळलं का? सो ही जी तुमची वॉन्ट आहे ना दुसऱ्यांना कॉपी करायची, त्यात तुम्हाला सांगते दॅट यू आर डिससॅटिस्फाईड. आणि दुसरं आहे राईज इन पॉप्युलेशन. जनसंख्या जी आज सतत वाढत चालली आहे, ही सतत वाढत चालली जनसंख्या काय करते, वॉन्ट वाढवते. वॉन्ट लोकांमध्ये वाढवल्यावर काय वाटतं त्यांना, डिससॅटिस्फॅक्शन. सब खा रहे मैं क्यों नहीं. सो ये जो लेवल आहे ना, ये डिससॅटिस्फॅक्शन का आहे. बहरहाल ये सब हमने रिकॅप मैंने रिकॅप किया है जो हमने कल सीखा था. टुडे वी गोना स्टार्ट विथ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे फीचर्स ऑफ वॉन्ट. त्याच्यात सर्वात पहिला पॉइंट आहे, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. वॉन्ट्स कशी होती आहे, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. ये तो मैंने आपको कल भी बताया था. वॉन्ट्स कभी किसी की फुलफिल नहीं हो सकती स्टूडेंट्स. इफ़ यू फील दैट कि मेरे पास कोई चीज़ है एंड आई विल बी सेटिस्फाइड विद दैट, तो वो सिर्फ उतने दिन के लिए है जब तक आप कोई और ऑल्टरनेट चीज़ नहीं देखते. सपोज़ इफ यू हैव अ साइकिल, आपके पास साइकिल है, साइकिल आप चला रहे हैं गए 2 साल से, या दो नहीं मैं बोलता हूँ 6 महीने से आप साइकिल चला रहे हैं. 7th महीने में आपका कोई फ्रेंड आपके सोसाइटी में बाइक लेके आता है कॉल्ड एक्टिवा लेके आता है, और इफ यू टीचेस यू हाउ टू ड्राइव, अगर उसने आपको चलाने को सिखा दिया तो मालूम है क्या होगा, आपके अंदर एक अलग सी वॉन्ट जाग एक अलग सी वॉन्ट उठेगी, वॉन्ट आएगी, क्या मला पण गाडी पाहिजे. मग तुम्ही त्याबद्दल घरात बोलायला सुरुवात करणार. म्हणून माणसाची वॉन्ट अनलिमिटेड असते. आता समजा तुम्हाला 10वी पास झाल्यावर 6 महिन्यानंतर तुम्हाला खरंच ॲक्टिवा घेऊन दिली, आता तू कॉलेजमध्ये ॲक्टिवा घेऊन जायचं. कळलं? ॲक्टिवा घेऊन जाता जाता 2 वर्षानंतर तुम्हाला ग्रॅज्युएशनमध्ये तुम्ही 12वी पास झाले आणि ग्रॅज्युएशनला आले, तर त्याच्यात तिथे कोणीतरी तुम्हाला 4-व्हीलर ड्राईव्ह करायला शिकवलं. आता 4-व्हीलर ड्राईव्ह करायला शिकवलं म्हणजे तुम्हाला त्याची वॉन्ट आता येईल. किंवा त्या मित्राचीच गाडी तुम्ही चालवणार, तुम्ही बोलणार तू नको चालू, आपण एकत्र जाऊया ना, जेव्हा जाऊया तेव्हा मी चालवतो. मग तो त्याची वॉन्ट तशी फुलफिल करून घेतो. सो ये वॉन्ट जो आहे ना, ये अगेन अँड अगेन नाही आती, ये अनएंडिंग होती आहे. ये बार बार आती नहीं है, ये अनएंडिंग है. आपके मरने तक ये वॉन्ट आपके मन में रहेगी. और इफ वन वॉन्ट गेट सेटिस्फाइड अनदर राइजेस. वॉन्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर. ये है वॉन्ट का नेचर, ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स. वॉन्ट एक के बाद एक आती रहती है, बढ़ते रहती है, और हमेशा ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 मल्टीप्लाई होते रहती है. तो ये वॉन्ट इस तरीके की होती है. सो पहला पॉइंट इधर आपका होता है. पॉइंट नंबर 2 है, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग म्हणजे परत परत येणे. सो वॉन्ट जो होती है ना इंसान की, अगेन एंड अगेन आती है. लेकिन कुछ जो होती है वो ओकेजनल होती है. फटाके फोडायची इच्छा दर दिवसच असतो का? नाही. फटाके फोडायची इच्छा आपल्याला फक्त दिवाळीमध्ये असते. तर फटाक्यांची वॉन्ट कधी असते? दिवाळीमध्ये. गणपतीची वॉन्ट, गणपती तुम्हाला काय वाटतं, प्रत्येक 11 दिवस तुम्हाला गणपती आहे तर ते प्रत्येक महिन्याला यावं का? नाही, कारण त्याला खर्च लागतो. तर तुम्हाला ते एकदाच पटू शकतं. ठीक आहे. सो वॉन्ट आर रिकरिंग इन नेचर. वॉन्ट सतत येत राहते, ती येते आणि थांबून जाते, मग जातच नाही, असं होतच नाही कधी. ठीक आहे. पॉइंट नंबर 3 बघूया. इन पिक्चर्स में देख के आपको क्या लगता है, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, एक बच्चा टॉय लेके बैठा है, एंड लेडी इज रीडिंग अ टेक्स्ट बुक और अ बुक कॉल्ड समथिंग. सो वॉन्ट क्या दिखा रहा है, ये दैट ओल्ड एज वुमन हैज सम डिफरेंट वॉन्ट, दैट किड हैज सम डिफरेंट वॉन्ट, एंड द मैन हैज सम डिफरेंट वॉन्ट. व्हाई? बिकॉज देयर एज इज डिफरेंट. Now this old age woman cannot demand of toy or cannot demand of a bike. Or else I would say ये जो आदमी है, एक मिनट मैं ऐसा कहता हूँ, ये जो आदमी है, क्या नाम है, जो भी नाम रहेगा, if he's a bike rider तो उसको अभी बुक का डिमांड नहीं है, उसको अभी टॉय का डिमांड नहीं है. उसी तरह ये बच्चे को भी, ये बच्चे को ना बाइक चलाने को आता है ना बुक पढ़ने को आता है, तो ये उसका डिमांड नहीं है. कहने का मेरा मतलब क्या है, वॉन्ट जो होता है, डिमांड या वॉन्ट, ये सब एज के साथ डिपेंड करता है.
सो जैसे जैसे आपका हर चीज के लिए एज होगा, आपका वॉन्ट क्रिएट होते रहेगा। समझ में आया क्या? सो वॉन्ट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वॉन्ट्स डिफर फ्रॉम जेंडर। दैट इज वेरी सिंपल और ये वेल नोन बातें हैं कि वॉन्ट है जो है जेंडर के साथ में बदलती है। आदमी की ज़रूरतें, आदमी की इच्छाएं अलग होती है, औरतों की इच्छाएं, औरतों की ज़रूरतें अलग होती है। समझ में आया? ये सिर्फ उनके ज़रूरत के हिसाब से आता है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरी ज़रूरत है, औरतों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनके लिए ज़रूरी होता है। समझ में आया क्या? सो वॉन्ट मैन और वुमेन, जेंडर के हिसाब से वॉन्ट भी अलग अलग होती है। नाउ एज का पॉइंट भी हो गया है, डिफर विथ जेंडर भी हो गया है। नाउ वॉन्ट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मतलब होता है चॉइस। प्रेफरेंस मतलब होता है चॉइस, ठीक है? आपकी चॉइस, इंडिविजुअल हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वॉन्ट ऑफ द पीपल। जब हम किसी के बारे में, वॉन्ट के बारे में बात करेंगे तो हर बंदे की, हर आदमी की चॉइस अपनी अलग अलग होती है। समझ में आया? क्यों हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस अलग अलग क्यों होती है? बहुत आसान आंसर है इसका, क्योंकि सबका अपना टेस्ट अलग है, सबके अपने हैबिट अलग है, सबकी अपनी लाइक्स है, सबके अपने डिसलाइक्स है। जब सबका अपना खुद का नज़रिया ही अलग है देखने का, तो उनकी प्रेफरेंसेस भी सेम नहीं होगी, त्यांचे प्रेफरेंसेस पण वेगवेगळे असतील। म्हणून असं म्हणलं जातं की वॉन्ट्स डिफरंट ड्यू टू प्रेफरेंसेस। वॉन्ट कसे असते? वेगळे असते। त्या कशामुळे? चॉईसमुळे। आता फिफ्थ पॉइंट आहे, सिक्स्थ पॉइंट आहे तुमचं, वॉन्ट डिफर विथ सीजन। सिक्स्थ पॉइंट है आपका, वॉन्ट जो होता है वो सीजन के वजह से डिफरेंट होता है। ये तो सबको मालूम है। अभी ठंडी चल रहा है, अभी ठंडी चल रहा है तो आप अभी स्वेटर का डिमांड करेंगे। कॉटन का कपड़े का क्या उपयोग है? अभी आप रेनकोट डाल सकते हैं क्या? रेनकोट का डिमांड कब होएगा? छतरी का डिमांड कब होएगा? यू बेटर नो देन मी। सो वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ सीजन। ज्याप्रमाणे मौसम किंवा ज्याप्रमाणे क्लायमेट बदलत असतो, त्याप्रमाणे आपली वॉन्ट पण डिफरंट डिफरंट होत राहते। आता सध्या तुम्ही बारिशची बुटं घालणार का? पावसाळ्याची बुटं घालणार? पावसाळ्याचे सँडल घालणार का? नाही। हा थंडीचा विंटर सीजन आहे, एक साधा असा सीजन आहे ना, याच्यात प्रत्येक माणूस चांगला दिसतो, चांगले कपडे घालतो, बुटं घालतो, ठीक आहे? हे विनाकारण नाही घालत, किंवा ते विनाकारण घालू दे, तरी ते या सीजनमध्ये चांगले दिसतात। गरमीमध्ये ते बुटं किंवा जंपसूट वगैरे नाही घालू शकत। समजलं का? नाही घालू शकत किंवा की, कारण तो सीजन तसा त्या त्या टाईपचा क्लॉथचा नाही आहे। क्लोथ्स ज्या त्या सीजनमध्ये त्या टाईपचे क्लोथ्स आपण नाही घालू शकत, म्हणून वॉन्ट्स सीजन वाईज डिफरंट असतो। कळलं? आता आहे सेवन्थ पॉइंट, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। देखिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि हर आदमी का कल्चर एक जैसा नहीं है। मैं सर पे ऊपर टोपी नहीं पहनता हूँ, वो किस कल्चर में आता है आपको मालूम है? मैं आंखों में काजल नहीं लगाता हूँ, वो किस कल्चर में आता है आपको मालूम है? मैं गले में क्रॉस नहीं पहनता हूँ, वो किसके कल्चर में आता है वो आपको मालूम है? सो मैं ऐसा बताऊँ और आप समझेंगे, ऐसा नहीं है। कल्चर म्हणजे संस्कृती। मुली लोक सव्वारी नववारी घालतात किंवा ते काष्ट साडी घालतात, कळलं का? ते आमच्यात नाही चालत। आय बिलॉंग्स टू नॉर्थ, मेरे नॉर्थ में ऐसा नहीं चलता है, छवारी नववारी हमारे में कुछ अलग है। समझ में आया? जैसे ट्रेडिशन, जिसका जैसा ट्रेडिशन होगा उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका ड्रेसिंग स्टाइल उस तरीके का होता है। और दिस ऑल क्रेडिट गोज टू देयर कल्चर। जैसा आपको आपका कल्चर में सिखाया जाता है, आपकी वॉन्ट उस तरीके की होती है। समझ में आया क्या? आपके स्कूल में जब भी ट्रेडिशनल डे होता है तो सब लड़की लोग साड़ी डाल के आता है, और सब कोई कोई सूट डाल के आता है, कोई कोई कुर्ता पायजामा, कोई कोई शेरवानी डाल के आता है। ट्रेडिशन म्हणजे त्यांना माहीतच नाही माझी संस्कृती काय। संस्कृती काय आहे तुमची? तुमची पाश्चात्य संस्कृती होती धोती कुर्ता। माणसं की फार्मर्स है, इंडिया में फार्मर्स थे पहले, और फार्मर्स से सब कुछ शुरू हुआ था। तो फार्मर्स क्या पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे। शेरवानी ना फार्मर्स ने कभी पहनी थी, तो आप कहाँ से कल्चर लेके आ गए उसको? बट ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप अपने ट्रेडिशन में आप कुछ भी पहन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आई एम नॉट द राइट पर्सन टू यू नो
स्टॉप यू फॉर वेयरिंग दैट, वो आपके ऊपर है आप पहनो क्या करते हो, इट्स योर चॉइस, बट मैं कल्चर को वांट के साथ कोरिलेट करने का बात कर रहा हूँ, समझ में आए। सो आपका कल्चर में जो सूट करता है वो उसका वांट आपका होगा, मेरे कल्चर में मुझे जो सूट करता है मैं उसकी वांट करूँगा, समझ में आया। टोपी वालों का जो कल्चर सूट करता है वो उसका डिमांड करेंगे। सो आज जो हमने पढ़ा है वो है हमारे वांट का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वांट सीजन के हिसाब से अलग होती है, वांट कल्चर के हिसाब से अलग होती है, वांट एज के हिसाब से अलग होती है, जेंडर के हिसाब से अलग होती है, प्रेफरेंसेस के साथ अलग होती है, नेचर अलग होता है वांट का। और वांट्स हमेशा, भूलिए मत आप, वांट्स हमेशा स्टूडेंट्स अनलिमिटेड होती है, समझ में आ गया। ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। हम लोग अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स पढ़ेंगे। वांट्स को डिवाइड भी किया है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप भी है, क्लासिफिकेशन भी है उसमें, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड माई लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, समझ में आया, ये आप तक डिलीवर हो रही है, मंजे आप समझ रहे हैं और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन मैसेज मी फॉर एनीथिंग, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू।